हैं, ये तो एक जनरल सा व्यू पॉइंट था. लेट्स स्टार्ट द डीप एनालिसिस. अच्छा जी, थॉमस वाइट पोएम समरी एंड एनालिसिस ऑफ और गेट नॉट येट को देख लीजिएगा. सबसे पहले हम इसका स्टैंजा बाय स्टैंजा देखते हैं. द पोएम इज रिटन हैज फाइव क्वाट्रेन्स विद अ राइमिंग ट्रस्टेड फॉलोड बाय फोर्थ लाइन रिपीटेड एज अ रिफ्रेन थ्रू आउट द सॉन्ग. लाइन नंबर 1-4 जिसमें फॉर गेट नॉट येट द ट्राइड इंटेंट ऑफ सच अ ट्रुथ एज आई हैव मेंट माय ग्रेट ट्रेवल सो ग्लैडली स्पेंट फॉर गेट नॉट येट. अब लाइन नंबर 1-4 में क्या कहता है, इन द फोर लाइंस, फर्स्ट फोर लाइन द पोएट आस्क्स फॉर द ऑडियंस नॉट टू ओवरलुक हिज इंटेंशन टू रीच विनिंग एंड ट्रुथ एंड टू कंसीडर द ग्रेट एफर्ट्स ही हैज विलिंगली मेड. द फोर्थ लाइन रिफ्रेन फॉर गेट नॉट येट एम्फेसाइजेस द रिक्वेस्ट. ठीक है, अब ये रिपीटेडली फॉर गेट नॉट येट जो है एम्फेसाइज करेगा रिक्वेस्ट के ऊपर, और फर्स्ट फोर लाइन में वो जो है पोएट जो है आस्क फॉर द ऑडियंस के वो उसकी इंटेंशन को मत देखें टू रीच मीनिंग एंड ट्रूथ, बल्कि वो कंसीडर करें उसकी ग्रेट एफर्ट्स को जो कि उसने विलिंगली मेड किया है, यानी कि विलिंगली जो है उसने इतनी इंटेंशन मतलब इतनी एफर्ट्स किए हैं वो उसको देखें. इसी तरह लाइन नंबर 5-8 देख लीजिएगा. फॉरगेट नॉट येट द फर्स्ट बिगेन द वेरी लाइफ वी ही नो सेंस व्हेन द सूट द सर्विस. द रिक्वेस्ट हियर फॉर द ऑडियंस नॉट टू फॉरगेट when they first begin the tired life of the service. Not only audience ki baat kar raha balki wo request yahan pe karta hai apne lover se bhi, apni beloved se bhi. Wo ek lover jo hai wo request karta hai ki wo is cheez ko mat bhule ki they first begin that this tired life of service or courtship which no really understand. Or the refrain in line 8 is repetition of line 9. तो ये जो रिपीटेशन ऑफ फॉरगेट नॉट येट है ये क्या है, दैट इज ऑल्सो अ थीम. ये भी आप लिखेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन में कि रिपीटेशन ऑफ फॉरगेट नॉट येट में क्या है कि वो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप जो बिलव्ड है उसकी, वो उसकी इन जो उसने इतनी अनथक मेहनत की है या इतना वो डिटर्मिनेंट रहा है इस सारे प्रोसेस में, इस प्रोसेस ऑफ लव में, तो उसको ना भूला जाए. फिर 9-12 है बेटा, इसको देख लीजिएगा कि फॉर गेट नॉट येट व्हेन द फर्स्ट बिगेन द वेरी लाइफ ही न्यू सिंस व्हेन द सूट द सर्विस नॉन टेल कैन फॉर गेट नॉट येट. और अगेन वो हियर द ऑडियंस इज आस्क्ड, लवर इज बिलव्ड इज आस्क्ड नॉट टू ओवरलुक द बिग क्रिटिसिज्म द मेन जस्टिसेस द क्रूअल ट्रीटमेंट एंड द पेन ऑफ वेटिंग थ्रू डिलेज एंड डिसीजन मेकिंग. Line 12 is a repetition of line 4 again, and this serves to build up the negative issues which the narrative is attempting to hide. ये तो बेटा मैंने आपको वैसे ही बता दिया है सारा. अब हम चलते हैं इसकी critical analysis के ऊपर. Analysis देख लेते हैं, इसको वैसे ही उर्दू में आपको सारा बता दिया है और ऐसे ही आप लोग फिर मजीद कंफ्यूज हो जाएंगे. Analysis देख लेते हैं इसका. The song is composed of 3-line rhyme or tercet followed by a 4th line which is repeated forming a refrain. The intention is to अच्छा जी, द इंटेंशन इज टू एम्फेसाइज, ये आपके करंट नोट्स में भी है बेटा. द इंटेंशन इज टू एम्फेसाइज द कनेक्टेड पॉइंट ऑफ ईच टर्सेट विद अ रिपीटेड रिक्वेस्ट ऑफ फॉर टू फॉरगेट नॉट येट. और ये जो है इंटेंशन क्या है ईच टर्सेट की, यानी कि फोर लाइन स्टैंजा की, वो क्या है कि टर्सेट कहते हैं फोर लाइन स्टैंजा को. ठीक है, तो एंड उसका कहाँ पे होता है, फॉरगेट नॉट येट भी होता है, फॉर्म करता है वो एक फाइनल क्वाट्रेन. क्वाट्रेन फोर लाइन स्टैंजा को ही कहते हैं, एंड फोर लाइन वर्स. उसके बाद द यूज ऑफ नेगेटिव फॉरगेट नॉट येट रादर देन रिमेम्बर एक्सेंचुएट्स द टोन ऑफ मेलंकोली. तो ये जो यूज ऑफ नेगेटिव फॉरगेट नॉट येट है रादर देन, वो इसको यहाँ पे रिमेम्बर क्या था, वो उसने एक नेगेटिव जो है वो टर्म यूज किया है फॉरगेट नॉट येट का, रादर देन रिमेम्बर एक्सेंचुएट्स द टोन ऑफ मेलंकोली, जो कि टोन ऑफ मेलंकोली यहाँ पे शो करता है. और विद विच क्या वो शो करता है, टोन ऑफ मेलंकोली क्या है इसके अंदर बेटा, ये टोन ऑफ मेलंकोली एंड दैट इज ऑल्सो अ थीम जो कि यहाँ पे यूज हो रही है. इसको आप जो है बोल्ड उसमें लिखेंगे कि वो टोन ऑफ मेलंकोली और रिग्रेट में बात करता है. द फर्स्ट वर्स स्ट्रेसेस द ऑनेस्टी एंड ट्रुथ. ठीक है, फर्स्ट वर्स किस चीज के ऊपर,
अब ये लवर जो है उसके ऑनेस्टी और ट्रुथ के ऊपर स्ट्रेस करती है विद विच द सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय द बिगनिंग विद द एजर्शन द ऑडियंस इज कंपेल्ड टू सी द फॉलोइंग सेंटीमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस आर सिंसियर देयर हैज बीन कंसीडरेबल एफर्ट्स ग्रेट ट्रेवल ठीक है उसकी कंसीडरेबल एफर्ट्स हैं ग्रेट ट्रेवल हैं ये टेक्सचुअल वर्डिंग्स हैं इसलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया put into message not just in the formal structure of the words but in diplomacy with which our difficult and dangerous sentiment is raised and expressed by the second verse the poet highlights the life within the quote how exhausting it is for audience and narrator and how clandestine the affair of quotes are it is certain that in the young court of king henry viii who was a monarch at 17 and surrounded himself with the young the witty and the beautiful ठीक है और ये जो है इसके अंदर कोर्टली लव दिखाया गया है जो कि हेनरी एट के मोनार्च के दौर में हुआ था अच्छा जी अब वो उसको जो है हाईलाइट करता है अब यहाँ पे देखें ये कोर्टली लव को या लाइफ करता है हाईलाइट करता है लाइफ ऑफ कोर्ट को या कोर्टली लव को बाकी जो थीम्स थी बेटा वो मैंने आपको इसकी लिखवा दी है नेक्स्ट अब हम अपनी पोएम की तरफ चलते हैं दैट इज मैडम विदाउट एन मैनी वर्ड्स खोलिएगा जनाब नेक्स्ट उसकी तरफ अब इसकी जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है दैट इज योर होमवर्क और इसके साथ ही बेटा हम नेक्स्ट अपनी जो है वो भी